नमस्कार दोस्तीगर, फिर से आपका स्वागत है कोरेलड्रो की सीरीज में। आज हम बात करेंगे टेक्स्ट टूल के बारे में। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना, यहाँ पे हम क्लिक करके टेक्स्ट टूल ले सकते हैं और इसका शॉर्टकट है F8। F8 दबा करके भी हम टेक्स्ट टूल ले सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट टूल क्या है? हमारा दो प्रकार से होता है, एक होता है आर्टिस्टिक और दूसरा होता है पैराग्राफ। इस वीडियो में हम आर्टिस्टिक टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। अगली वीडियो जो होगा पार्ट 2, इसी के साथ मैं अपलोड करूंगा, उसमें हम पैराग्राफ टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आके क्लिक करके इसको ले लिया। F8 से भी हम ले सकते हैं। लेने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको ये जो पॉइंटर दिख रहा है, ये जो आ रहा है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। जहाँ भी हमारा पॉइंटर है वहाँ पर हम लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कृष्णा, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब क्या है, इसको मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो और भी लिख सकता हूँ FRESTUTY4U। ओके, ये हो गया और स्पेस मैंने दे दिया। अब जैसे हमें इसको सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम Ctrl+A कर सकते हैं। Ctrl+A से क्या है, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप ये जो शॉर्टकट की है ये आपको नहीं आती है, तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बेसिक शॉर्टकट की के बारे में बताया है, तो ये मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां से जाकर के भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया Ctrl+A से पूरा सिलेक्ट करने के लिए होता। अगर जैसे मुझे केवल कृष्णा को सिलेक्ट करना है, FRESTUTY4U को नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे क्लिक करने के बाद मैंने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किया है और उसको रिलीज नहीं किया है, क्लिक अभी भी किया हुआ हूँ, और क्लिक करते हुए मैं ऐसे होल्ड किया हूँ इसको और ये लाता हूँ, तो ये कृष्णा केवल सिलेक्ट हो गया। और हम एक तरीका और है जिससे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं शिफ्ट दबाता हूँ और शिफ्ट दबाने के बाद जो कर्सर होता है अप डाउन लेफ्ट राइट का, तो मैं लेफ्ट वाला दबाता हूँ और ऐसे इसको दबाए हुए मैं लाता हूँ, तो ये क्या है, हमारा कृष्णा सिलेक्ट हो जाता है। और हम इसको अपोजिट साइड ले जाएंगे तो ये हमारा FRESTUTY4U सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली हम क्या करते हैं, माउस से क्लिक करके जहाँ भी हमें सिलेक्ट करना है, जितना जैसे मुझे केवल फ्री करना है तो मैंने इतना यहाँ पे लिया और केवल फ्री को ही सिलेक्ट कर दिया है। जितना चाहें हम उतना सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से भी करना है, जैसे 4U करना है तो मैंने 4 पे यहाँ पे क्लिक किया 4 के पास और माउस का लेफ्ट बटन दबाया, और दबाए हुए छोड़ना नहीं, इसको होल्ड किए रहना और हम इसको खींचेंगे और लाएंगे और फिर रिलीज कर देंगे, तो ये हमारा 4U सिलेक्ट हो गया। जितना भी हमें सिलेक्ट करना है हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और पूरा सिलेक्ट करना है तो हम लास्ट से पकड़ के खींच के इतना ले आएंगे, या फिर शुरुआत से हम पकड़ के या फिर हम शुरुआत से ऐसे पकड़ के इसको ले आएंगे। ओके, या फिर Ctrl+A सीधे से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सिलेक्शन की बात। अब सिलेक्शन के बाद हम बात करते हैं फॉन्ट की बात, और फॉन्ट के साथ साथ इसकी जो साइज है हम छोटी बड़ी कर सकते हैं, वो भी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको दिख रही है प्रॉपर्टीज़, ये एरियल और भी है, ये क्या है, ये हमारे फॉन्ट्स हैं। फॉन्ट्स क्या होता है, फॉन्ट्स ये होता है, जैसे अभी ये आ रहा है, ये स्टाइल होती है, जैसे मैं ये अभी देख रहा हूँ तो ये ऐसे आ रहा है, अभी देखो ये अलग आ रहा है, अभी अलग आ रहा है, देख सकते हैं आप, कोई भी हम फॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं। ये है, इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने ये लिया और ये लेने के बाद यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये बी बना हुआ है, ये हमारा बोल्ड है, और ये आई है जो ये इटैलिक है, और ये यू बना हुआ है, ये हमारा अंडरलाइन है। इसको मैं सिंपली ले लेता हूँ, एरियल टेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं बताता हूँ, तो मैंने ये है ले लिया है। इसके बाद अब हम इसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन बताते हैं क्या, देखो मैंने बोल्ड किया तो ये मोटा हो जाएगा, दिख रहा है आपको, ये बोल्ड करने से ये हो गया। ठीक है, और बोल्ड में हटाता हूँ, देखिए ये बोल्ड है, इटैलिक तिरछा कर देता है ये, देखिए इटैलिक हो गया है, और अंडरलाइन नीचे एक लाइन कर देगा। और अगर हम चाहते हैं ये जो लाइन आ रही है इसकी भी हम सेटिंग कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, ये मैंने बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर लिया। ये क्या है, ये फॉन्ट के साथ
ही रहता है। जैसे एरियल है, एरियल के को हम बोल्ड कर सकते हैं, टैलिक, अंडरलाइन तीनों कर सकते हैं, लेकिन हम ये हर फॉन्ट के साथ नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई चेंज करता हूँ मैं, और मैं ले लेता हूँ ये, अभी ये जो टेक्स्ट है इसके साथ हम बोल्ड इटैलिक नहीं कर सकते, इसको केवल केवल हम अंडरलाइन कर सकते हैं बस। और भी है इसी के साथ, केवल बोल्ड होता है, इटैलिक नहीं होता है। जैसे ये है, इसको हम इटैलिक कर सकते हैं, केवल देखिए इटैलिक कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बोल्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये जो फैसिलिटी है ये हमारी फॉन्ट के साथ ही रहती है, ठीक है। फॉन्ट के साथ हम कर सकते हैं, देखो इसके साथ इटैलिक कर सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये जो है, ये नन, लेफ्ट, सेंटर, राइट, फुल जस्टिफाई, ये क्या है, ये हमारा पैराग्राफ के साथ होता है। जब हम पैराग्राफ लेंगे तब करेंगे। जैसे अच्छा मैं एक पैराग्राफ यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से जाके मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर मैंने कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी से क्या होता है, पेस्ट करने के लिए होता है। ये क्या है, हमारा बेसिकली पेस्ट हो गया है। अभी एक सेकंड में यहाँ ले आऊँ, ये टेक्स्ट हमारा काफ़ी बड़ा था, और इसमें क्या है, केवल एक ही पैराग्राफ है। मैं इसको एंटर करता हूँ, ये अलग पैराग्राफ बन गया है, ठीक है। और मैं इसको फिर से एंटर करता हूँ, और इसको मैं फिर से एंटर करता हूँ, ये हमारा टेक्स्ट आ गया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और सही से कर लेता हूँ कि आप देख सकें। और मैंने ये लिया, ये है, ये मैंने कर लिया है। अभी देखो ये है, इसको मैं नन करता हूँ, तो नन ये हमारा कुछ भी नहीं है, नन है। अब मैं इसको यहाँ से आकर के लेफ्ट करता हूँ, तो ये क्या हमारा लेफ्ट से आएगा, ये है लेफ्ट, यहाँ राइट में हमारा स्पेस दे रहा है। और अगर मैं इसको सेंटर कर दूं तो ये हमारा बीच में रहेगा। आप देख सकते हैं, देखो सेंटर है ये हमारा राइट साइड है, राइट साइड से आ रहा है, ये फुल जस्टिफाई है। फुल जस्टिफाई और फोर्स जस्टिफाई, इसमें क्या डिफरेंस होता है, जैसे मैंने ये फुल जस्टिफाई लिया और मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद एंटर कर दिया। अब क्या है, जो लास्ट में आपको लाइन दिख रहा है ये इसको छोटा नहीं, देखो मैंने और एंटर करता हूँ तो आप देखिए ये क्या है, फोर्सफुली सबको जस्टिफाई कर दिया है, लेकिन नीचे वाली जो लाइन है ये नहीं हुई है। तो ये क्या है, हमारा फुल जस्टिफाई है। लेकिन अगर हम फोर्स जस्टिफाई करेंगे तो ये जो नीचे की लाइन है आप देख सकते हैं, इसको भी ये कर देगा। देखो ये नीचे की लाइन है, इसको भी ये फोर्सफुली जस्टिफाई कर दिया। अभी फुल जस्टिफाई करेंगे तो ये लास्ट की जो लाइन है इसको जस्टिफाई नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारी सारी पैराग्राफ की सेटिंग्स है, ये हम बेसिकली पैराग्राफ के साथ करते हैं, ठीक है। तो ये ले लिया, इसके बाद ये रोटेट तो इससे कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने ये लिया, इसके बाद ये जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे कम ही सेटिंग दिखती है। अगर हम ज़्यादा सेटिंग करना चाहते हैं तो ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो आपको दिख रही है, मैं इसको हटा देता हूँ, अभी टेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पे जो है हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। देखिए आप, जैसे कि ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ से हम सब कुछ कर सकते हैं। देखो ये रियल, ये क्या है, ये हमारे फॉन्ट्स हैं, हम कोई भी फॉन्ट्स ले सकते हैं, ठीक। और अगर जैसे ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है हमारी, ये नहीं, यहाँ से नहीं चाहते हैं, तो हम यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट पर आ कर के आने के बाद टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे, और ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम ओपन कर लेंगे। ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी ओपन हो गई है, और इसका शॉर्टकट भी है। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस टी। जैसे मैं कंट्रोल प्लस टी करता हूँ तो ये हमारी प्रॉपर्टीज आ चुकी है, ठीक है। तो तीन जगह से हम टेक्स्ट प्रॉपर्टीज ले सकते हैं, कहीं से भी हम डायरेक्ट कंट्रोल टी से आ सकती है, यहाँ से भी, और टेक्स्ट में जा कर के टेक्स्ट प्रॉपर्टीज से भी हम ला सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ आइए हम बात कर लेते हैं, पूरा टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ से ले लेता हूँ, और केवल मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल ए करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और यहीं कंट्रोल भी कर देता हूँ, केवल हमारा इतना टेक्स्ट हो गया, ठीक है। अब हम इसके साथ आपको दिखाएंगे। मैंने ये लिया और इसको मैंने
लेकर के यहाँ से ए टेक्स्ट लिया और लेके मैंने इसको कंट्रोल ए कर लिया, पूरा सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट होने के बाद यहाँ से हम क्या है फॉन्ट टेक्स्ट का फॉन्ट बदल सकते हैं, कोई भी स्टाइल जो भी हमें चाहिए है, देखिए जो भी हमें चाहिए हम वो ले सकते हैं, देखिए जो भी चाहिए, जैसे मैंने ये ले लिया। ठीक है, लेने के बाद मैं यहाँ पे लाया हूँ, हल्का सा इसको सीधा कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको लेकर के इस पर डबल क्लिक करूँगा तो रोटेट के लिए, तो मैंने ये ले लिया। अब ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने इसको पूरा सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आते हैं, ये क्या है यूनिफॉर्म फिल, इसमें फिल्स हैं, ये फिल्स क्या होती हैं, ये जो मैंने लिखा है टेक्स्ट उसके अंदर फिल करने के लिए होती हैं। यहाँ पर नो फिल है, यूनिफॉर्म फिल है, फाउंटेन फिल है, टू कलर पैटर्न है, फुल पैटर्न है बिटमैप, और ये जो है ये क्या होता है, ये हमारा जो सिलेक्ट है आपको ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है ना वहाँ पर ये टेक्स्ट देता है, इसमें भी सेम वैसे ही होता है। ठीक है, और इसके बाद ये है जो हमारा ये आउटलाइन के लिए है, आउटलाइन का हम कलर जो भी देना है वैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से आकर के जो फिल टूल है, फिल टूल में ये है हमारा यूनिफॉर्म फिल है, फाउंटेन पैटर्न, टेक्सचर, ये सारे फिल्स हैं, ये भी हम दे सकते हैं। ये मैं आपको बाद में इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है बताने के लिए, तो मैं इसको आपको फुल डिटेल्स में बताऊंगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं बताऊंगा नो फिल है, कोई भी फिल इसमें नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं बाहर क्लिक करता हूँ, देखो कुछ भी नहीं मुझे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा टेक्स्ट है। ठीक है, इसमें देखो हमारा आउटलाइन में फिल कर देता हूँ तब आप थोड़ा सा समझ पाएंगे, एक्चुअली सिलेक्ट पूरा करना पड़ेगा हमें, मैंने पूरा सिलेक्ट किया और इसमें मैंने आउटलाइन दे दिया। अब मैं बाहर क्लिक करता हूँ, देखिए ये जो हमारा है इसके अंदर कोई भी फिल नहीं है, और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ क्लिक करके, और मैंने इसको पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, नो फिल है, कोई भी फिल नहीं होगा। अब है हमारा यूनिफॉर्म फिल, यूनिफॉर्म फिल में हम सिंगल कलर दे सकते हैं, कोई भी यहाँ पे दे सकते हैं आपको जितना भी दिख रहा है, मैं ये ले लिया। पहले मैं आउटलाइन ऑफ कर देता हूँ, ये बाद में बताएंगे आपको, और मैंने ये लिया है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से हम कोई भी सिंगल कलर दे सकते हैं इसमें जो भी चाहिए, साथ ही साथ हम यहाँ पर मोर क्लिक पे करके यहाँ से दे सकते हैं, और मोर क्लिक करने के बाद देखो ये है हमारे तीन हमें पैटर्न मिल जाते हैं, एक हमारा मॉडल्स है और उसके बाद मिक्सचर्स और पैटर्न है, हम कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा, अभी ये लाइट आ रहा है, हमें डार्क चाहिए तो नीचे लाएंगे, ये आपको दिख रहा है डार्क, यहाँ पर आपको जैसा कलर दिख रहा है वैसा आ जाएगा। और ये जो है ये हमारा पहला कलर है, ये दिखा रहा है आपको ओल्ड कलर है, और ये हमारा न्यू कलर है, जितना भी डार्क चाहिए, ज़्यादा डार्क लेंगे तो ब्लैक हो जाएगा, तो मैं इतना डार्क लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। देखो ये हमारा डार्क हो गया है, ये है जो यहाँ से हम पिक कर सकते हैं कोई भी कलर, जैसे मुझे ये वाइट पिक करना है, मैंने वाइट लिया तो इसमें वाइट फिल हो गया, कहीं भी कोई भी कलर हम पिक करके भी दे सकते हैं, यहाँ से खोल करके हम यहाँ पर भी सेम वही प्रॉपर्टी से पिक करके और दे देंगे, जो भी हमें पिक करना है वो हम ले लेंगे। ठीक है, और ये है हमारा मॉड्यूल्स में जो भी हमें देना है यहाँ से दे सकते हैं, और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ये आपको जो दिख रहा है पॉइंटर, इसको मैं कहीं भी ले जाऊंगा वहाँ से मैं दे सकता हूँ। ठीक है, और हम डायरेक्ट क्लिक करके भी कर सकते हैं, जैसे मैं कहीं भी क्लिक करूँगा ना तो ये हमारा पॉइंटर वहीं पर आ जाएगा। मिक्सचर के साथ भी सेम है, इसको मैं मूव भी करा सकता हूँ, रोटेट भी करा सकता हूँ, देखो मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, और इसको पकड़ के मैं पर्टिकुलर मूव भी करा सकता हूँ कहीं भी। ठीक है, ये जो हमारा है मूव जैसे भी जो भी कराना है और वो करा सकते हैं हम। ओके, यहाँ से फिर हम कोई भी कलर ले करके, ये हमारा ओल्ड है, ये हमारा न्यू कलर है, ओके ये करा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ये कोई भी हम यहाँ से भी ले करके, जैसे मैंने ये लिया, ये हमारा टेक्स्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा सिंगल कलर है। इसके बाद हम बात करते हैं फाउंटेन फिल की।
फाउंटेन फिल लिया मैंने। फाउंटेन फिल में क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पर ये आ रहा है डार्क, और यहाँ पर आते आते ये कलर क्या है, चेंज हो गया। मैं इसके बैकग्राउंड में एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, और सर्कल में मैं एक फिल दे देता हूँ। अभी हमारा जो टेक्स्ट था वो दिख नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि ये हमने बाद में बनाया, और ये हमारा ऊपर है। अब हम इसको पीछे लाना है, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऑर्डर में जाएंगे, ऑर्डर में जाके इसको बैक ऑफ पेज या बैक ऑफ लेयर कुछ भी कर दे। मैंने बैक ऑफ पेज किया, ये हमारा पीछे पहुंच गया, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। लाइट करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक किया रहूँगा, और ये आ गया है, और मैं ये ले लेता हूँ। एक्चुअली यही हम सेव कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहूँगा जिससे हमें ये सही से दिखे। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा फाउंटेन फिल है। मैंने लिया और मैं टेक्स्ट लिया, और टेक्स्ट लेने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ये हमारा फाउंटेन फिल जो है, फाउंटेन फिल में भी हम कोई भी पैटर्न ले सकते हैं। देखिए आप, ये है कोई भी जो मुझे चाहिए है वो मैं ले सकता हूँ यहाँ से, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टू कलर पैटर्न, इसमें दो कलर को मिल के बनाया जाता है, और ये हमारे पैटर्न्स हैं। हम खुद से भी अपना पैटर्न बना सकते हैं, वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको जब यहाँ पर ये फिल बताऊँगा तभी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे बना सकते हैं। देखो इसमें भी है हमारा फाउंटेन फिल है और पैटर्न फिल है। पैटर्न फिल में हम जा करके अपना नया पैटर्न बनाते हैं, ओके। और ये हो गया हमारा, इसके बाद हमारा बिटमैप पैटर्न है, इसमें भी हमारे पैटर्न होते हैं। ये देखिए आप, एक सेकेंड मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये भी आप कोई भी ले सकते हैं। मैं इसको जो पीछे मैंने रेक्टेंगल बनाया था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसको मैं दिखाता हूँ। देखिए ऐसे भी हम ले सकते हैं। मैंने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ओके। इसमें और भी फिल है हमारा, टेक्सचर फिल है। टेक्सचर फिल में भी हमारी काफ़ी स्टाइल्स होती हैं, ये सब आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद अब ये जो है, इसके हम बैकग्राउंड में जो आपको ये कलर दिख रहा है ना, ये जो हाईलाइट है, जब जैसे अभी हम सेलेक्ट करते हैं तो अभी कुछ नहीं है, अभी हम सेलेक्ट करेंगे तो ये जो आपको इतना दिख रहा है, यहाँ पर हम कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर हम कलर भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आ करके और फिल करता हूँ, और ये मैंने यहाँ से ये ले लिया, और अब मैं क्या करता हूँ, बाहर सेलेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं ये पीछे हमारा फिल आ रहा है, कोई भी फिल दे सकते हैं। इसमें भी सेम हमारा वैसे ही है, फाउंटेन फिल टू कलर, और सब जितने भी देखो सब वही सेम है, जो इसमें है वही सेम इसमें, कोई भी हम दे सकते हैं। यहाँ से मैंने ये लिया इम्पैक्ट, और ये देखो ये क्या है हमारा, ये फिल है, ये जो आ रहा है आपको दिख रहा है ये फिल ही है हमारा, ओके। मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ से नो फिल कर दिया, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया, अब हम बात करते हैं आउटलाइन की। आउटलाइन जैसे मैंने लिया यहाँ पर ये, आपको एक चीज़ बताना है, देखो अभी मैंने आउटलाइन 4 mm लिया है, और ये क्या है हमारा टेक्स्ट पता ही नहीं चल रहा है कि ये टेक्स्ट है कि क्या है। इसके लिए एक उपाय, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है पहले दिख रहा है आपको ये टेक्सचर के लिए है, और नीचे है जो हमारा आउटलाइन के लिए है। मैं यहाँ क्लिक करूँगा डबल, और डबल क्लिक करने के बाद ये आउटलाइन की, ये जो यहाँ पर आउटलाइन की प्रॉपर्टी से ये शो करती है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिहाइंड फिल पे क्लिक करके और ओके कर देंगे, ये हमारा टेक्स्ट आ जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है बहुत भद्दी सी आउटलाइन लग रही है। मैं इसको कम करता हूँ अभी, तो थोड़ा सा और मैं इसको बढ़ा देता हूँ अभी, तो ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन जब मैं इसको छोटा करूँगा ना तो फिर से ये क्या है, ऐसे ही हमारा फिर से वही सेम हो जाएगा। तो इससे भी हम बच सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर आकर के और क्या कर देंगे, स्केल विथ ऑब्जेक्ट कर देंगे। स्केल विथ ऑब्जेक्ट करने के बाद क्या करता हूँ, 1 ले लिया मैंने, और लेने के बाद मैं यहाँ पे आया और ये बिहाइंड फिल स्केल विथ ऑब्जेक्ट दोनों क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब क्या है, अब मैं इसको छोटा करता हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसको छोटा, ओके। अब मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, देखो इसमें कुछ भी
नहीं हुआ है, मैं चाहे जितना इसको छोटा कर लूँ, ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट जैसे है वैसे ही रहेगा। देख सकते हैं बड़ा करूँ या छोटा, हमारा टेक्स्ट जैसा है वैसे ही रहेगा। इसीलिए हम स्केल विथ ऑब्जेक्ट और भी हैंड फिल दोनों करते हैं। तो ये हमारा आउटलाइन भी हो गया, और आउटलाइन के साथ साथ अगर हम चाहें, जैसे मैं ये ले लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मैंने इतना इसको सेलेक्ट कर लिया, मैं केवल एल सेलेक्ट कर लेता हूँ। एल सेलेक्ट करने के बाद अगर हम चाहें इसको ऊपर नीचे, जैसे मैंने ये एक्स वर्टिक्स है और यहाँ पे वाई वर्टिक्स है, एक्स से क्या है हम इसको पास या दूर जितना भी ले जाना चाहें, जैसे मैं ये दूर ले जा रहा हूँ इसको, ये देखो पास आ रहा है, जितना भी मैं जैसे भी चाहूँ मैं इसको क्या है पकड़ के खींच रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करके और ऊपर क्लिक किया ही हूँ, और क्लिक किए किए मैं ऊपर नीचे ऐसे इसको ले जा रहा हूँ। तो कोई भी है यहाँ पे हम बेसिकली क्लिक करके भी इसको दूर पास कर सकते हैं, ठीक है, और मैं ऐसे इसको पकड़ के भी ऐसे जो आ रहा है और ऊपर नीचे खींच के भी हम कर सकते हैं, ठीक है, मैंने ये किया। और वाई है, वाई से क्या है हमारा वाई वर्टेक्स ये ऊपर नीचे होगा, जैसे मैं वाई को भी ऐसे ही करता हूँ ऊपर नीचे ले जाता हूँ, देखिए ये नीचे जा रहा है, और अभी मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके ऊपर नीचे जैसे भी ले जाना है वैसे मैं ले जा सकता हूँ, ओके, देखिए जितना भी चाहिए। और ये कौर है हमारा ए बी, ये क्या है हमारा रोटेट कराता है, हमें रोटेट कराना है, घुमाना है, जैसे भी हम उसको करा सकते हैं, देखो मैं इसको जैसे भी हम चाहें रोटेट करा सकते हैं इसको पूरा 360 डिग्री जहाँ भी हम चाहें जैसे भी, ठीक है, इसको हम रोटेट करा सकते हैं, ओके, जैसे मैंने इसको ओ को ऊपर चाहिए ऊपर ले जा सकते हैं, सॉरी ऊपर ले जाना है तो यहाँ से हम ऊपर ले जाएंगे जहाँ भी ले जाना है, जैसे भी हमें करना है हम वैसे कर सकते हैं टेस्ट के साथ। और अगर हम सेलेक्ट करने के ले जाएं तब भी, जैसे मैंने इफ्सम को सेलेक्ट किया, इस पूरे को भी हम ले जा सकते हैं जहाँ भी हमें चाहिए, ऊपर नीचे जैसे भी हमें चाहिए, देखिए जैसा भी मुझे चाहिए है मैं वैसा कर सकता हूँ, ओके, ये थी हमारा टेक्स्ट। इसमें एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, जैसे मैंने कंट्रोल जेड किया, फिर कंट्रोल जेड करता हूँ, और इसको मैं, इसमें ये तो टेक्स्ट के लिए है, और इसको अंडरलाइन है, तो अंडरलाइन भी हम दो से तीन प्रकार से कर सकते हैं, ये सिंगल सिंगल है, देखो यहाँ भी मैं सिंगल थिंग करूँगा, ये एक्चुअली अलग हो गया है, मैं अभी भी इसको सही कर देता हूँ, और ये हमारा एक टेक्स्ट बन गया है। यहाँ से मैं आऊँगा सिंगल थिन करूँगा, ये क्या है सिंगल आ रहा है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ कि सिंगल थिन वर्ड, तो ये क्या है हमारा हर वर्ड के बाद ये गैप करके और फिर हमारा लेगा, देखो इस वर्ड के बाद ये गैप ले रहा है, यहाँ पर भी ये गैप दे रहा है, यहाँ पर भी जितना भी हमारा पैराग्राफ होगा वो गैप दे करके और आगे करेगा, ठीक है, और इसमें सेम डबल करना चाहते हैं डबल करेंगे तो ये हमारा एक और आएगा, एक यहाँ पे है और एक नीचे भी है, ओके, और डबल थिन चाहिए हमें, और हमें बीच में स्पेस नहीं चाहिए तो केवल डबल थिन करेंगे, और डबल थिन वर्ड कर देंगे तो ये क्या है हमारा स्पेसिंग दे करके हमारा करेगा। तो इसमें भी हमारे वर्ड्स के आउटलाइन के जितने भी हैं ये प्रॉपर्टीज हमारी हैं, ओके, वैसे टेक्स्ट में इतना ही है, और भी हम टेक्स्ट के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, और टेक्स्ट में बकाया इसमें जितना भी है ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में पूरी कर चुका हूँ। अब इसके बाद हम बात करेंगे पैराग्राफ की मैं इस पार्ट में नहीं, अगले पार्ट में मैं पैराग्राफ के बारे में बात करूँगा, ये मैं साथ ही साथ अपलोड करूँगा, इसके बाद पैराग्राफ में अपलोड करूँगा, ओके, थैंक यू।